हम लोग एक कौम नहीं है। मैंने अपने आप को कौम को लेकर छोड़ दिया हुआ है। हम कौम नहीं है, हम एक अवाम है। हम बस वो जो हमें जहाँ जैसे वो घुमा रहे हैं, हम घूम रहे हैं। हमें खुद अपना ये हम अवाम, अगर हम ये कौम होते ना तो ये अब आपको ये आपको कूड़ा नजर ना आता। ये आपके सामने ही है। सिर्फ मैं तो यही कहूँगा, ये जो तब्दीली आई है ना, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा हो गया। बस ये तब्दीली आई है। ये नहीं कि इधर है, आप जहाँ पे भी चले जाएं, जहाँ पे ये कूड़ेदान पड़े हुए हैं वो ऐसे ही हैं। अफसर हमें कुछ बता ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में मिल जाएगी। कल का वादा किया है, अगर मिल गई तो ठीक है, फिर काम शुरू हो जाएगा, अगर ना मिली तो फिर डरता हाल है। बहुत गंदी सूरत हाल है। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली इमरान खान साहब की हुकूमत आई जिसमें इतना गंद पड़ा है। ये भी हम देख रहे हैं कि शहबाज दौरे हुकूमत के जाते ही जो लाहौर पेरिस था वो अब उल्टा हो गया, वो गंदगी का ढेर बन गया। पहले सूरत हाल ऐसी होती, बहुत अच्छी थी। अच्छा। पहले सूरत हाल बहुत अच्छी थी। आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि आप PMLN के वोटर्स हैं? मैंने वोट भी PTI को डाला है। अच्छा, इमरान खान के? खान साहब का कोई कसूर नहीं, उन्होंने पंजाब में हुकूमत ही ऐसी बना दी है कि जो सबसे गंदी हुकूमत गिनी जा रही है। जी, खान साहब का कसूर नहीं है, जो कोई कसूर नहीं। ये जो उन्होंने उस्मान बुजदल साहब का बनाया वो इस काम के है ही नहीं है। अच्छा। कि वो पंजाब के वजीर आला बनते हैं। जी, पंजाब में कोई शहबाज शरीफ जैसा होना चाहिए, शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला कम ही कोई आएगा। जी, इसी तरह रोजमर्रा का रूटीन मैटर अब बन गया है। अच्छा। क्योंकि पहले जब हुकूमत नून लीग की थी तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, चलो कौंसलों को अख्तियार आते, नाजम वाइस चेयरमैन चेयरमैन को अख्तियार आते, वो सारे गलियों मोहल्लों में आते, चक्कर लगाते, पूछ लेते थे। अब कोई सिस्टम निजाम ही नहीं रहा। हमें भी दुख होता है, ये कूड़ा इतना पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये देखो आधी सड़क जो ना कूड़े ने घेर ली है, हमें भी दुख है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, कचरे में हाथ मारते हैं, 100 बीमारियों से हम लड़ते हैं, तो हमें वो काम करने का मुआवजा ही नहीं मिलता, तो हम कैसे करें इनको? कब से मुआवजा नहीं मिला? 2 माह हो गई है। 2-3 डेज पेमेंट हो जाएगी, अभी भी हमारी इनसे मीटिंग चल रही है कि पेमेंट तो आपको हो जानी है, आप अपना काम जो है वो शुरू रखें, ताकि लाहौर के जो अहलियान लाहौर है उनको जो है वो तफुन या जिस तरह तकलीफ का सामना ना करना। क्यों? अब ये भी बता दें, रीजन भी बता दें। मुझे पता है कि आपकी जॉब ऐसी है कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रीजन तो आप मुझे बता दें कि मौजूदा दौरे हुकूमत सिर्फ यही कहती रहेगी कि खजाना खाली है और इसी बुनियाद के ऊपर तमाम चीजें रुक जाएंगी, लोगों से नौकरियां भी छिन जाएंगी और सर्विसेज जो लाहौर शहरियों को दी जा रही थी वो भी छिन जाएंगी इसी बुनियाद पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, किसी से कोई नौकरी। फिर क्यों 3 महीने से फिर तनख्वाही नहीं दी? ऐसा है ही, लास्ट मंथ सैलरीज मिली है, इस मंथ जो उनको 15 तारीख को मिलनी थी, तो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में, यानी इस मंथ के यानी एंड होने से पहले मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, कल जो हमने प्रोग्राम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट ये आया है कि जो औस पाक और अल बिराक के जो मुलाजमीन थे, 2 महीनों से बगैर तनख्वाहों के रह रहे थे, अब 6 करोड़ रुपए जो है वाजिबात के तौर पर, यानी इनकी तनख्वाहों की मद में 6 करोड़ रुपए जो है वो अदा कर दिए गए हैं। अभी इनके पास इनकी तनख्वाहें नहीं आई हैं, लेकिन कुछ ही देर में उम्मीद है कि इनके पास इनकी तनख्वाहें इनके हाथों में होंगी। नाज़रीन, ये जो 6 करोड़ हैं उसमें से 3 करोड़ अल बिराक के मुलाजमीन और 3 करोड़ औस पाक के मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में अब दिए जाएंगे, और जिसके बाद लाहौर की जो सफाई है उसकी सूरत हाल भी हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवसुत से, और हम साथ मिलके लाहौर की जो सफाई की मुहिम है उसका दोबारा से आगाज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात करना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि 2 महीने बगैर तनख्वाह के ये जो माशरे का फाइनेंशियल तौर पर पिसा हुआ तबका है, ये किस तरह से रहा, इनकी कहानी आप जानेंगे। किसी को घर से निकाल दिया गया क्योंकि वो किराए के घर में रहता था और वो अपने किराया देने के काबिल नहीं रहा क्योंकि उसकी तनख्वाह नहीं आ रही थी, और किसी के घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया तो उसने दरबार से जाकर जो वहाँ पर नजरो न्याज दी जाती है वो खाकर
गुजारा किया। आइए इनसे बात करते हैं, दो महीने इन्होंने कैसे गुजारे, जरा इनकी जबानी सुनते हैं। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो आपको पता है आपने भी कुछ देर पहले अर्ज किया, आज जो हड़ताल है 6 दिन के अंदर गुजर गए हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं आ रहा अफसर, जो अफसर आ रहा है लॉलीपॉप दे रहा है हमें, और अभी भी यही कहा जा रहा है, अभी जो अंदर हमारे कुछ आदमी अंदर गए हैं मीटिंग के लिए, उनका यही बेनिफिट है सिर्फ बैंक का टाइम ख़त्म हो जाए और इनको टाला जाए लॉलीपॉप देकर। हमारी बात 6 दिन हो गया कोई भी नहीं सुन रहा, हम इधर बैठे हैं सुबह के भूखे, हमें किसी ने भी नहीं पूछा यार। 2 महीने कैसे गुजारा किया बगैर तनख्वाह के? बस ऐसे ही, यकीन मानो कोई इसी का घर से निकाल दिया, कोई खा रहा है कोई नहीं खा रहा, कोई सुबह से इतना जलील हो गया, हमने 6 दिन हो गए हमें किसी ने भी नहीं पूछा, तो हम आज से आपके भी पता है हमें गुजारा नहीं हो रहा, तो आज हम तनहा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अच्छा ये देखें, इन्होंने यहाँ पर कूड़ेदान भी फेंका है, LWMC का ये दफ्तर है जिसके बाहर ये आप लोगों ने ये कूड़ा फेंका है, एहतजाज के तौर पर फेंका है। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पर इन्होंने कूड़ा भी एहतजाज के तौर पर LWMC के दफ्तर के बाहर फेंका है। कूड़ा फेंका है आपने, ये आपका एहतजाज करने का तरीका था जी, इससे कुछ फर्क पड़ा है आपको आवाज उठाने? हमने इतना गंद उठाया, अब इनके दफ्तरों के आगे भी फेंकेंगे ना गंद, इनके इन लोगों को भी पता लगे कि हम लोगों कैसे गंद उठाते हैं। अब मुश्किल काम है, हमारे बच्चे जो हैं अब भूखे हैं, ठीक है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, तो अब किसका दरवाजा खड़काएंगे, कोई हमारी अपील नहीं सुन रहा इधर आके, कोई दो महीने बगैर तनख्वाह के गुजारा कैसे किया आपने, क्या क्या किया? भीख मांगे की है, भीख भी मांगी, भी मांगी है लोगों से, भीख ही मांगी, अब कर्जा मांग रहे हैं लोगों से, हजारे ले लेके गुजारा कर रहे हैं, अब तो हजारे लोग हजारे देने भी छोड़ गए हैं, रिश्तेदार भी कोई पैसे नहीं दे रहा, किसी उधर से 1500 उधर से सब मांग रहे हैं, कोई नहीं दे रहा, देने भी छोड़ गए हैं लोग, सही कह रहे हैं, गुजारा किसी का भी नहीं हो रहा, 2 माह की तरह है अभी तक कभी किसी को नहीं मिली है, 2 महीने नहीं थे हमारे मिले रहे थे, जमा गया से आज मिलेगा तो जाएंगे, ठीक है इधर ही रहेंगे मैम, आज नहीं कहीं जाएंगे हम, और प्लीज आपकी मेहरबानी, आपके साथ हमारी गुजारिश है कि आप किसी अफसर को बुलाएं, हम हमारे को भी बात करें, बिल्कुल हम अफसर से भी बात करेंगे, हम सबसे आज बात करेंगे प्रोग्राम में। ये बताइए कि जो आपकी वाजिबात नहीं मिली उसका असल कसूरवार कौन है, क्यों नहीं दी गई आपकी वाजिबात, पहले तो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तो मिलती थी आप अंदर DM साहब है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने चेक गलत भेजा हुआ है, इसलिए चेक वापस भेजा, जब आएगा तब देंगे, हुकूमत ने चेक जो है वो गलत साइन करके भेज दी है, लेकिन अभी तक जो चेक है वो 1 नंबर नहीं आया, जो चेक कटता है उसे तो सही साइन करने चाहिए थे ना, ये हमें पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ पहले कभी? अभी इसी हुकूमत में हुआ है, इससे पहले 1 मिनट, इससे पहले हमारी ईद के पैसे थे, छोटी और बड़ी ईद के पैसे इन्होंने हमें तकरीबन 7 से 8 माह बाद दिए हैं, अभी रही सैलरी की बात, ये कह रहे हैं जी चेक गलत आ गया, ये हो गया वो हो गया, ये सारी इनकी मिली भगत है, ये तुर्की वाले और LWMC है जो ये आपस में मिले हुए हैं, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आम आदमी जलील हो, हम जलील होंगे तो हम क्या करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, और हम हमारा वाहद किला जो वो सिर्फ मीडिया है, आपके तवास्से से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप ही से हम आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वारने वाला तक पहुँचाएं, ताकि हमें सैलरियाँ मिल सके और हमारे जो हक है वो हमें मिल सके। सैलरी का मसला, सैलरी का आप लोग तो काफी अर्से से काम कर रहे हैं, सैलरी का मसला अब हुआ या पहले भी कभी हुआ? पहले नहीं हुआ, लेकिन कम होता था। मसला है, गरीब लोग वो कहाँ से खाएंगे, ठीक है ये ऐसे खाने के चक्करों में पड़े हुए, किधर से पढ़ेंगे, यहाँ पे तलीम होगी ऐसी, आप बताएं, जब खाने को नहीं मिल रहा, आप अपने बच्चों को पढ़ाते जी, पढ़ाते भी हैं, क्लास में मेरी बेटी है छोटी, ठीक है 4 साल की मेरी बच्ची है, तो मैं कहाँ से फीस दूँ? आपने फिर 2 महीने की फीस कैसे मैनेज की, कैसे दी? वो देख ले आपके सामने प्राइवेट काम करके कर रहे हैं, ठीक है बच्चों को निकाल दिया स्कूल से? बच्चों को निकाल दिया सर, आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। कौन से स्कूल में थे ये? इधर पढ़ते हैं मार रोड पे, रोड पे पढ़ते हैं, और स्कूल से निकाल दिया बच्चे की आपने, फीस नहीं दी? नहीं फीस दी, किराए वालों मालूम खान ने भी जवाब दे दिया, हाँ जी वो कह रहे ओ पैसे देंगे तो हम आपको रखेंगे इधर, नहीं तो जाएं आप जाओ, पैसे चढ़े हुए हैं सब्जी वालों के, पैसे चढ़े हुए हैं, मकान का किराया देना 2 महीने का किधर से दें, और आप नहीं जाएगी तो वो किधर पढ़ेंगे किधर,
जब कोई चीज ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। अच्छा, अभी मुझे किसी ने ये भी बताया था कि घर में राशन नहीं था तो दरबार में जाके उन्होंने जो न्याज होती है ये आपकी कहानी थी, आपकी कहानी थी। आप गए दरबार? जी मैं दरबार गया था, आधा घंटा मैं वहाँ पे खड़ा रहा था दरबार, तो मैं आधे घंटे बाद लेकर गया था खाना वगैरह। नाज़रीन, ये इनकी कहानियाँ हैं। इनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, इनके घर में चूल्हा नहीं जला तो ये दरबार से खाना लेकर आए। किसी के मालिक मकान ने उनको अल्टीमेटम दे दिया और घर से निकालने की धमकी रोज दी जा रही है इनको। इन्होंने मेरे साथ कल भी अपनी कहानी शेयर की थी और वो ये थी कि मालिक मकान लिटरली इनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं और कहते हैं हमारा घर खाली कर दो, अगर घर से छत चली जाएगी तो किस तरह से गुजारा होगा, ये फील करने की बात है। अच्छा, अगर तो आपके वाजिबात आपको मिल जाते हैं, अगर तो आपके वाजिबात आपको मिल जाते हैं, आपकी तनख्वाहें आपको मिल जाती हैं, सफाई ऑपरेशन आप शुरू कर देंगे उसी दिन से? यानी उसी वक्त ऑपरेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह, उसी वक्त हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करेंगे, अभी इसी वक्त करेंगे। तनख्वाह नहीं, इतनी लेट आनी चाहिए, सफाई मुहिम शुरू कर देंगे, निजाम खत्म किया जाए। मसला था कि जो हमारी सैलरियाँ दो साल से बढ़ी हुई है, दो साल से सैलरियाँ बढ़ी है, इन्होंने अभी तक हमारी सैलरियाँ नहीं बढ़ी, वो वाजिबात है। एक तो सैनिटरी वर्कर्स हैं, दूसरे ड्राइवर्स भी हैं आप लोगों के, जिनको आप ड्राइवर हैं, जरा पीछे होइएगा, जरा इनसे मुझे बात करनी है। मुझे बताएं कि ड्राइवर्स की तनख्वाहें कब से नहीं मिली? दो माह हो गए नहीं मिल रही हैं। अभी सैनिटरी वर्कर्स को दे रहे हैं कि ये दोनों को दे रहे हैं? अभी तक तो कह रहे हैं दोनों को दे रहे हैं, अभी तक कोई फैसला आया नहीं है अभी तक, अभी तो दोनों को कह रहे देने ही है लेकिन नहीं दे रहे अभी तक। बैंक का टाइम तो खत्म होने वाला है तो आज अगर आपको चेक मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी, ऊपर से ये काम लेना चाहते हैं तो कहते हैं काम पूरा दो, वेट पूरा दो, ठीक है। जब कोई बीमार होता है, किसी घर में परेशानी होती है, कोई छुट्टी करना चाहता है, उसको छुट्टी नहीं मिलती, ऊपर से कहते हैं आपको निकाल दिया जाएगा, आपको नहीं रखा जाएगा, ऐसे आगे से धमकियां देते हैं। तो आप बताएं हम किधर जाएं, ऊपर से तनख्वाहें भी नहीं दे रहे, ठीक है, ऊपर से धमकियां लगा रहे, अलबरा की गाड़ियां भी खराब है, गेट नहीं खुलते, ब्रेक नहीं लगती, ऊपर से शीशे नहीं चलते, ठीक है, स्टीयरिंग काम नहीं करते, ब्रेक नहीं चलती, आगे पहले भी दो बंदे मरे हैं, ठीक है, चार बंदों की टांगे टूटी हैं, दो बंदे मरे हैं, ये वो भी नहीं आ रहा MDB, कोई भी अंदर से बात। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दरवाजे के ऊपर अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं, अंदर LWMC का जो ऑफिस है और ये लोग अपने हक का पैसा लेने के लिए, अपने काम का मुआवजा लेने के लिए यहाँ पर इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। अगर तनख्वाह ना मिली तो मादन मस्त कलंदर इधर हो जाएगा, तनख्वाह ना मिली तो मादन मस्त कलंदर इधर रहेगा, क्या करेंगे, इत्तेजाज करेंगे, जाते रहे हमें तनख्वाह ना मिलेगी, दो माह की हमारी तनख्वाह है। अभी 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 क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है अंदर, बच्चे भूखे मरे, हम अपने आप का पेट्रोल लगा के, ऐसा नहीं कहना, यहाँ पे आग लगा लेंगे, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, अब हम उन्हें किधर पाएंगे, जाए गेट से पीछे हट जाएं, हमारे जो बंदे हैं उन्होंने खाना लेने जाना है, अंदर अफसरों ने खाना खाना है, हम सुबह के इधर बैठे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया तो इनको खाने की पड़ी हुई है, हमारे बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें खाना दो, ये इनको सांस नहीं है ये चीज का, इंसान की तो कोई चीज नहीं है। हाँ मिल जाती है, आप झूठ बोलते हैं हमसे, हमें पता ही नहीं है कि हमें मिली है या नहीं, मीटिंग खत्म हो गया, कह रहे हैं अगले पीस सैलरी मिलेगी, हमें हमारा इंसाफ, फैसला आया क्या कहा है फैसला अंदर से आया, वो कह रहे हैं पीर को तनख्वाह मिलेगी, ये हाँ जी ये भी कह रहे हैं अभी भी लेट है, अभी दो माह से लेट है, अभी भी कह रहे हैं पीर को देंगे, हमारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, हम दो माह से घर में बैठे हुए हैं, दो माह से कुछ नहीं है हमारे घर में, राशन तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम यहाँ तक आए सुबह से, हमने कुछ नहीं खाया भी है, ऐसे ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, उधर से हमें अभी भी कह रहे हैं जी पीर को देंगे, हम किधर जाएं, किसके पास जाएं, क्या इमरान खान साहब हमारा क्या, हमने क्या गुनाह किया, हमें पैसे दें, हमारे घरों के चूल्हे बंद किए हुए इन लोगों ने, ये गुनाह है हमारा, आपका ये गुनाह बिल्कुल नहीं है कि आप वेस्ट उठाते हैं। नाज़रीन ये देखिए, साफ रखते हैं ठीक है, और उसके लिए हमें ये सजा मिल रही है, हमारे घरों के बिल, हमारे मीटर काटे गए हैं, हम लोगों के साथ ये ज्यादती है, हमारी दरख्वास्त है मीडिया से, वजीर आला से, हमें इंसाफ मिला जाए, बस हमारी सैलरी हमें मिले, हम लोग सब काम करेंगे। अच्छा नाज़रीन एक सेकंड दीजिएगा इन लोगों को, अच्छा कुछ दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए। दो महीने का बिल है जो मैं अभी तक पे नहीं कर सका, मेरी जेब में है, लिखा मेरे पास है,
आप खुद ही देख लें, मैं अब अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये देख लें आप। ठीक है, तो ये अभी अभी अंदर से हमें मकानों से निकलने की धमकी दे रहे हैं मैम। ठीक है, ये तमाम चीजें इनकी हमने सुनी है नाज़रीन, ये इनकी कहानी है। सैनिटरी वर्कर्स से हमने खुल के बात की है, उन्होंने भी अपना अपने राय का जो इजहार है वो खुल के किया है। यहाँ पे मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमने मजीद भी सूरत हाल आपको दिखानी है। अगेन कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि इनका हक है कि ये अगर हमारे शहर को साफ सुथरा रखते हैं, इनकी वजह से हम साफ सुथरे रहते हैं, इनकी वजह से इस एनवायरमेंट में हम सांस लेने के काबिल हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है। और ये कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं, इन्होंने 2 महीने काम किया है और उस काम के एवज ये अपना मुआवजा मांग रहे हैं जो इनका हक है, और हम भी इनकी आवाज़ बन रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद भी सूरत हाल से आपको आगाह करूंगी, आप हमारे साथ रहिए। पीछे एहतजाज जारी है, इसका पूरा अहवाल आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।